दोस्तों, इस पंछी का नाम है कपोतक पंछी। कपोतक पंछी अधिकतर भारत में पाए जाते हैं और कपोतक पंछी को भारत में कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पाडू, फाकता और सिरोटी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कपोतक पंछी एक शांत स्वभाव का पंछी माना जाता है। कपोतक पंछी आकाश में करीब 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ पाते हैं और बाद में नीचे की ओर ग्लाइडिंग करते हैं। कपोतक पंछी अधिकतर इंसान के आसपास रहना पसंद करते हैं। इस पंछी की गर्दन पर काले रंग की पट्टी बनी होती है। मादा और नर कपोतक दिखने में एक जैसे होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कपोतक पंछी घू घू की आवाज निकालते हैं, तो कई लोग इस पंछी को घू घू नाम से भी पहचानते हैं। कपोतक पंछी जमीन पर ही अपने भोजन की तलाश करते हैं। ये पंछी शाकाहारी होते हैं और ये अपने भोजन में अनाज, फल, बीज आदि खाते हैं। अगर इनके वजन और लंबाई के बारे में बात करें तो इस पंछी का वजन करीब 100 ग्राम जितना होता है और इसकी लंबाई करीब 12 इंच के आसपास होती है। इस पंछी का प्रजनन समय सितंबर और दिसंबर महीने में होता है और नर कपोतक प्रजनन के दौरान अपनी गर्दन फुलाकर मादा के आसपास घूमता फिरता है। ये पंछी अपना घोंसला इंसान के घरों या पेड़ों पर बनाते हैं। मादा कपोतक पंछी अपने घोंसले में करीब 2 से 4 अंडे देती है और नर और मादा मिलकर दोनों अंडों को सेते हैं और बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कपोतक पंछी के कई प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी आदि बड़े शिकारी इस पंछी का शिकार करते हैं। अगर हम इस पंछी के जीवन काल के बारे में बात करें तो इस पंछी का जीवन काल करीब 4 से 8 साल तक होता है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।